हिमाचल प्रदेश के पंचायत चौकीदारों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को शिमला उपायुक्त कार्यालय के बाहर पंचायत चौकीदारों ने स्थायी पॉलिसी और वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। चौकीदार संघ ने मांगे पूरी न होने पर सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी। चौकीदारों का आरोप है कि पिछले 40 सालों से वह नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई स्थायी नीति अभी तक नहीं बनाई गई। हिमाचल प्रदेश चौकीदार पंचायत संघ के अध्यक्ष जगदीश सिंह ने कहा कि सरकार पंचायत चौकीदारों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। अन्य विभागों में तैनात चौकीदारों के लिए सरकार ने पॉलिसी बनाई है, लेकिन पंचायतों में पिछले 40 वर्षों से काम कर रहे चौकीदारों की सरकार अनदेखी ही करती आई है। उन्होंने कहा कि वह आज कालीबाड़ी के पास अनशन पर बैठ रहे हैं और जब तक मांगे नहीं मानी गई तब तक यह अनशन जारी रहेगा। उन्होंने कहा, पंचायत में हर समय बस दो ही कर्मचारी रहते थे, एक पंचायत सचिव और दूसरा चौकीदार। उन्होंने कहा, JNK में 370 खत्म हो गई, लेकिन प्रदेश में अभी तक चौकीदारों के लिए कोई स्थायी नीति नहीं बनाई गई। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी तो वह 15 अगस्त को आत्मदाह कर लेंगे, जिसकी जिम्मेवार सरकार होगी। गरीब जिन चौकीदारों का शोषण हो रहा है, जो कि 1950 से पीसते जा रहे हैं, आज जो है 2021 हो गया, पर सरकार के कान तक जो नहीं लेंगी। और वो चौकीदार है जो कि मतलब जंगी कैदी की तरह जो है वो पीसता जा रहा है। आज तक जो भी कर्मचारी उसके बाद लगे वो सारे रेगुलर हो गए, कोई रिटायर हो गए, पर उस चौकीदार का मतलब सौतेला व्यवहार हुआ। सरकार के पास उसके पास पैसा नहीं है। आज उस चौकीदार को सड़कों पर उतरने को मतलब ये टाइम आ गया है। अगर मैं आज से ही मतलब जो है वो अनशन एक क्रमिक हड़ताल के ऊपर जा रहा हूँ, और मेरे को स्थानांतर भी कालीबाड़ी के पास दिया गया है, और आज नहीं तो थोड़ी देर बाद जो है मैं मतलब वहाँ बैठने जाऊँगा। और मेरा जो है जब तक मेरे साथ न्याय नहीं हुआ तब तक जो है पंचायत चौकीदार संघ एजिटेशन के ऊपर बैठा रहेगा। और मेरा सरकार से दोनों हाथों पर जो सौतेला व्यवहार पंचायत चौकीदार से साथ हो रहा है, उसके लिए मैं इस सरकार को बड़ा धन्यवाद करता हूँ। क्यों जो कर्मचारी मनरेगा 2007-08 में शुरू हुआ, उसके कर्मचारी भी सरकार ने रेगुलर कर दिए, पर उस चौकीदार जो कि पंचायतों में केवल दो ही कर्मचारी हुआ करते थे, एक फैक्ट्री और एक चौकीदार, चौकीदार तो चौकीदार है। आज आप देखो JNK में 370 की धारा खत्म हो गई, उस चौकीदार को आज भी आजादी नहीं मिली। बड़े शर्म की बात है, मेरे को बड़े खुश के साथ कहना पड़ रहा है कि धारा 370 भी खत्म हो गई, पर पंचायत चौकीदारों को आजादी नहीं मिली, हिमाचल के चौकीदारों को आजादी नहीं मिली। और पंचायत चौकीदार जो है वो जंगी की तरह पीसता जा रहा है। आज उसको सड़कों पे उतरने का समय आ गया है, अपने बच्चों के लिए जो है पालन पोषण करने के लिए जो है उसके पास इतना धन नहीं है। आज एक चौकीदार 30 रुपए के सात पंचायतों में कार्यरत लगा है 1985 से, और आज 2021 हो गया तो उसको 5,000 रुपए से वो अपने परिवार का कैसे पालन पोषण करेगा। मैं ज्यादा ना टाइम लेते हुए जो है ये हड़ताल जो है वो मेरी जारी रहेगी, जब तक मेरे साथ अन्याय नहीं होगा। तो मेरा पत्रकारों भाइयों से दोनों हाथ जोड़कर निवेदन है कि मैं धन्यवाद करता हूँ इनका, जो कि उन्हें इतना समय जो है वो मेरे लिए निकाला। जय हिंद जय भारत। मांग हमारी है जैसे कि और विभागों के चौकीदारों की पॉलिसी बनाई गई, वैसी ही पंचायत चौकीदारों की भी नीति और पॉलिसी बनाई जाए। बस मेरी एक ही मांग है, आज से 2020 में 24 फरवरी को कैबिनेट में हमारी पॉलिसी की फाइल लगी थी, लेकिन कारणवश CM ने उसको डिफेंस कर दिया था। आज 2020 के बाद 2001 डेढ़ साल हो गई, उस फाइल का कोई व्यता पता नहीं है। डेढ़ साल हो गया ना उस फाइल का कोई व्यता पता नहीं है, कहां वो फाइल है ना वो पॉलिसी बनी। हमारे जो है 3226 हमारे पंचायत राज मंत्री श्री वीरेंद्र कंवर जी ने टीवी लोकल टीवी के माध्यम से कॉन्फ्रेंस की थी कि केवल हमारे पास 3226 पंचायत चौकीदार ही बचे हैं, और अन्य औरों को हमने सबको जो है वो रेगुलर कर दिया और सबकी नीति और पॉलिसी बना दी गई है। पर 2020 से लेकर आज 2021 का बाई आने वाला है, वो पॉलिसी आज तक लागू नहीं हुई। मेरे को बड़े शर्म के साथ अफसोस के साथ कहने पड़ना जा रहा है, शर्म के साथ बोलना जा रहा है। अगर ऐसा ही होता रहा तो मेरे पंचायत चौकीदार जो है वो मतलब आत्महत्या,
दागे करने के लिए मजबूर हो जाएंगे और ऐसा ही रहा तो मैं अपना आत्मदाह जो है और इस मैदान में कर दूंगा। जय हिंद जय भारत। दिया तो रख अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।